तमाम फैला करके ये सुनो सबकी करो की, सुनो सबकी भाषण सुनो, मेरे को नौजवान लोग जो हो सकता है चाहे मतदान साहब से ईमान से इतफाक न रखते हो, मैं उनको भी पुकारता हूँ कि मेरे भाई ये लड़ाई जो है वो विधायक विधायक बनने की नहीं है। जब जाना नीतीश और मोदी की जोड़ी की विदाई कैसे होगी, क्योंकि अगर आपने 2020 में 2020 में बिहार छीन लिया तो मैं वादा करता हूँ कि 2022 में हम उनके उत्तर प्रदेश छीन लेंगे। वहां उन्हें हटाएंगे, आप उन्हें हटाएंगे। अच्छा एक दोस्तों में तारी वाली बात बताना, बुजुर्गो और नौजवानों से खास तौर पर सीए का कानून कैसे रुकेगा? तब रुकेगा जब दिल्ली की हुकूमत बदली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और लोकसभा सब मिल करके वो कानून ला रहे हैं। अब दिल्ली की हुकूमत कैसे बदली जाएगी बताओ, कैसे बदली जाएगी? एक सांसद बदल लेगा कि दो सांसद बदल लेगा? दो सांसद है ना उनके पास, बताइए मोदी को कौन रोकता है दिल्ली की गति से? नीतीश कुमार को कौन रोकता है? आप सब लोग हम जानते हैं कि हुकूमत के होने का नफा नुकसान क्या है। हमने 21 लाखें उठाई हैं, हम घरों पर चलते हुए बुलडोजर देख रहे हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में और आकर के आपसे अपील कर रहा हूँ कि मेरा भाई मंत्री बादल जो पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री है, आप इस बार जलील मस्तान साहब को विधायक बनाइए, 10 तारीख को वहां पर हुकूमत बदलेगी, और मैं वादा कर रहा हूँ कि जलील मस्तान साहब पूरे 5 साल के लिए मंत्री बन के आपके बीच में रहेंगे, पूरे 5 साल के लिए। और जब ये पूरे 5 साल के लिए मंत्री बन के आएंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए ये किस तरह से आपके बीच में काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दों में आपको झूठ परोस रहे हैं। मैंने किसी ने मुझे पोस्टर दिखाया कि अक्षर निर्माण साहब ने पोस्टर किया कि पहला कांड जो राजस्थान में मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा गया था गाय के नाम पे, उसके लिए कौन दे रहा? सिर्फ ओवैसी साहब ने उसकी मदद की। मैं यहाँ खड़ा होकर चैलेंज करता हूँ सीमांचल में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कारकुन अगर पहलू खान के परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक तस्वीर दिखा दे तो छोड़ दूंगा सियासत करना। और मैं बता रहा हूँ कभी बोलता नहीं है बातें, क्योंकि ये बातें सियासत के लिए नहीं होती, लेकिन आपने मुझे अपना फेसबुक पेज पे गाली लगा के ये इस बात को मैं मजबूर कर दिया है कि मैं बोलूं। मैं अपना दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जब पहलू खान को मारा गया था मॉब लिंचिंग के नाम पे, तो उसकी 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना एक माँ है। पिछले 3 साल से उसके लिए हरी परी भी लेकर के जाता हूँ मैं, उसके लिए कपड़े लेकर जाता हूँ मैं, उसे अपने सीने से लगा करके उसके आंखों को उसे कहता हूँ कि मेरी माँ तू नाबीना है, तुझे नजर नहीं आता, तू नहीं जानती कि पहलू खान कब वापस आएगा। पहलू खान दुनिया में नहीं है, लेकिन इमरान को पहलू खान ही समझना। मैं भी तुम्हारे घर से 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहली बार आप बात करते हो मुद्दों पर, अरे मुद्दों पर गलाइए मत। ये जो लिखा है 2022
मोदी के हिसाब से हुकूमत बदलने के बाद 2015 में आपके यहाँ से हुकूमत बदलने के बाद वो किस ताकत के इशारे पे हो रहा है, वो दिल्ली में बैठी एक ताकत के इशारे पे हो रहा है, लेकिन पटना में बिहार में एक हेलीकॉप्टर जो दूसरे इलाकों का उड़ता है, एक हेलीकॉप्टर मेरा उड़ता है और दो हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश ने 30 हेलीकॉप्टर लगाए हुए मोदी जी को भी और नीतीश जी को भी समझ में आ गया है कि मोदी जी कुमलाए हैं, नीतीश की आंख में भय है, इस बार बिहार कह रहा है, इस बार